हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 86 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड है। चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है, जो लोग पटना से हैं इसका पार्ट बन सकते हैं। BSC अकेडमी राजेंद्र नगर ब्रांच, बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सवाल में देखो क्या बोल रहा है। अमित, सुचेता एंड नीति स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एंड कंप्लीट वन राउंड इन 18, 24 एंड 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक राउंड कितने देर में कंप्लीट करती है? 18, 24 और 32 मिनट में। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज कितना? 304 मीटर। पेरीमीटर कितना है? 2304 है। ठीक है, यानी सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है? 2304 मीटर लेंथ। ठीक है, बोल रहा है If they run on a linear track, ठीक है, यदि वह linear track पे run करते हैं, then what will be the distance? Then what will be the ratio of distance between Amit and Niti? Amit और Niti के बीच का distance, यानी Amit और Niti जो 200, Amit और Niti का जो distance का अंतर होगा वो to the distance between Amit and Sucheta, Amit और Sucheta के बीच का अंतर after 240 seconds, ठीक है, 240 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले ये 240 सेकेंड में हमको डिस्टेंस लाने के लिए हमको इन लोगों का स्पीड जानना होगा, और रेशियो पे ही बात किया है तो रेशियो से ही शुरुआत से करते हैं हम लोग। तो शुरुआत से देखो, सबसे पहले स्पीड तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, किसका? अमित का, सुचेता का और नीति का। रेशियो कैसे निकलेगा हमारा यहाँ पे? अगर सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 2304 है और 18 मिनट में क्रॉस करता है तो भाई 18 कर देंगे, यानी मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड निकल जाएगा। यहाँ पे भी 2304 है और 24 से डिवाइड दे देंगे, और फिर यहाँ पे भी 2304 और इसको भी हम लोग किससे डिवाइड दे देंगे? 32 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, जब डिवाइड दे दिए तो यहाँ से मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग से ही रेशियो से चलते हैं, यहाँ से रेशियो निकाल देंगे। रेशियो से ये और ये खत्म, यहाँ से ये भी खत्म। इसे यहाँ हमारा क्या बच गया? 1/18 रेशियो, 1/ कितना? 24 रेशियो, 1/ में कितना? 32। इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 16:12 कितना? 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्पीड ये निकला क्या है हमारा, स्पीड निकला है। स्पीड जब निकल गया हमारा यहाँ पे तो हमसे क्या बोल रहा था सवाल में कि इफ़ दे रन ऑन लीनियर ट्रैक, लीनियर ट्रैक मतलब स्ट्रेट ट्रैक पे रन करते हैं, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड नीति, अमित और नीति के बीच का डिस्टेंस का अंतर टू द डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड सुचेता, अमित और सुचेता के बीच का अंतर आपको बताना है कब? 240 सेकंड में। अब देखो कोई भी सवाल जो होता है ना उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखो कि जब कोई पार्ट कांस्टेंट रहता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखो आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम जब कांस्टेंट है हमारा तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम जब कांस्टेंट है हमारा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या? स्पीड। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो आपको मालूम है, डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालना है? अमित और नीति के बीच में और अमित और सुचिता के बीच में अंतर। तो जो रिक्वायर्ड हमारा रेशियो है वो रिक्वायर्ड रेशियो को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट यहीं से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो को। यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड रेशियो किसका किसका बोला है? अमित और नीति का। अगर स्पीड का ही रेशियो से निकालते हैं तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा अमित और नीति का? 16-9 यानी कि क्या है? 16-9। ठीक है, अपॉन में फिर हमारा क्या है? अमित और सुचेता का। अमित और सुचेता कितना है? 16/12, यानी इन दोनों का अंतर कितना? 16/12 का। ये तो स्पीड का रेशियो है। अभी आपने बोला कि जब टाइम कांस्टेंट है सबको तो 240 सेकंड ही चलना है, तो जब टाइम कांस्टेंट है हमारा तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? स्पीड के रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 16 में से 9 चला जाएगा यानी कितना? 7, और 16 में से जब 12 चला जाएगा यानी कितना? 4, और यही हमारा आंसर है 7:4 कितना? 4। और आंसर इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई कैलकुलेशन करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, लिटरली स्टार्टिंग से ही हम लोग रेशियो पे चलते चले जाएंगे और रेशियो के बाद इसको सीधा सीधे सॉल्व कर देंगे। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।